वैसे तो कम्यूटर मोटरसाइकिल आप लोगों को जो है वो इंडिया में बहुत सारी देखने के लिए मिल जाती है, होंडा की मिल जाती है, बजाज की मिल जाती है ना। इसी के अलावा हीरो होंडा, पता नहीं कौन को, TVS है ना, ऑब्वियसली TVS को कैसे भूल सकते हैं, है ना। ये सारी मोटरसाइकिल जो है बेसिकली आप लोगों को इंडिया में देखने के लिए मिल जाती है। सारी ही मोटरसाइकिल के कुछ अपने बेनिफिट होते हैं, कुछ अपने नुकसान होते हैं, है ना। कोई मतलब कोई कोई नुकसान मतलब ऐसे होते हैं कि बेसिकली कोई कोई कम्यूटर मोटरसाइकिल जो होती है वो माइलेज के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके पावर बढ़ा देती है, और कोई कोई कम्यूटर मोटरसाइकिल जो है वो ऐसी होती है कि पावर को बहुत ही ज़्यादा कम करके वो माइलेज को बढ़ा देती है। बहुत ही मुश्किल से बेसिकली ऐसे आप लोगों को जो है वो कोई गाड़ी मिलती है जिसमें आप लोगों को पावर का और माइलेज का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आप लोगों को तगड़ा देखने के लिए मिलता है। ऐसी मोटरसाइकिल बेसिकली ढूंढना जो है वो मुश्किल है, लेकिन मार्केट में मेरे हिसाब से बेसिकली एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि आप लोगों को माइलेज का और परफॉर्मेंस का, पावर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आप लोगों को देती है। वो मोटरसाइकिल मेरे हिसाब से है बेसिकली बजाज पल्सर 125, है ना। इस वाले बाइक का बेसिकली माइलेज भी आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। इस वाले बाइक में आप लोगों को परफॉर्मेंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों से मेरे से पूछोगे ना कि बजाज पल्सर 125 जो है ये मतलब कैसी मोटरसाइकिल है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा बेसिकली ये वाली जो मोटरसाइकिल है ये एकदम परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। इस वाले बाइक की अगर आप लोगों पावर की बात करो तो पावर इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को धुआंधार आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर टॉर्क की बात करो तो वो आप लोगों को मिलता है 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क, है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अगर पावर की अगर बात करो, परफॉर्मेंस की बात करो, तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली 11.64 BHP की पावर इस वाले बाइक में, है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक बेटर कॉम्बिनेशन है, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, है ना, कि आप लोगों को इस वाले बाइक में टॉप स्पीड के साथ ही साथ आप लोगों जो है वो इस वाले बाइक में टॉर्क भी आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये वाली बाइक जो है वो आप लोग इसको आप लोग किसी भी आप लोग स्पीड पे चलाओ, है ना, चाहे अपर एंड पे चलाओ या फिर लोअर एंड पे चलाओ, ये वाली बाइक आप लोगों को जो है वो किसी भी स्पीड पे धोखा नहीं देगी। जैसे कि अगर जैसे इस समय हम लोग जिसका ट्रैफिक में हम लोग चल रहे हैं, है ना, ऐसे ट्रैफिक में ये वाली बाइक जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तौर पे जो है वो भागती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है। इसी के साथ ही साथ जैसे अगर आप लोग इसको हाईवे पे भी अगर इसको अगर चलाते हो ना, तब ये वाली मोटरसाइकिल जो है वहाँ पर भी आप लोगों को धोखा नहीं देती और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तौर पे बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो आप लोगों को पिकअप देखने के लिए मिलता है। एंड डेफिनेटली अगर टॉर्क की अगर बात करो तो टॉर्क मतलब आप लोगों को इस वाले बाइक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है। 12 न्यूटन मीटर टॉर्क एक 125 cc वाली मोटरसाइकिल में, है ना, मतलब बढ़िया टॉर्क होता है यार, है ना, बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। पिकअप बेसिकली इस वाले बाइक का आप लोगों को जो है वो 0 to 60, 0 to 80 तक जाने में कोई भी प्रॉब्लम ये वाली बाइक जो है वो नहीं करती है, ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं करती है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है इस वाले मोटरसाइकिल की। इसी के साथ ही साथ जो पावर जो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है वो आप लोगों को मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 11.64 BHP की पावर मिलती है। बाकी दूसरे मोटरसाइकिल में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बाकी दूसरे जितने भी कम्यूटर मोटरसाइकिल आती है सेगमेंट में, उन सारे बाइकों की जो पावर होती है, उन सारे स्कूटियों की जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को 10 मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पावर अगर बाइक में अगर वो लोग कम देते हैं तो बाइक का माइलेज जो है वो बढ़ता है, माइलेज को बढ़ाने के लिए वो लोग पावर को जो है वो कम कर देते हैं। बजाज के केस में बेसिकली ऐसा नहीं है, बजाज के केस में मतलब थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। अभी हम लोग माइलेज के ऊपर भी हम लोग जो है वो भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लें, है ना। तो परफॉर्मेंस इस वाले बाइक में जो है वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिलती है। टॉप स्पीड की बात करो तो ये वाली बाइक जो है ये मैंने इस वाले बाइक को पर्सनली मतलब 97-98 तक मैंने जो है वो उसको चलाया है, भगाया है ना, है। तो मतलब टॉप स्पीड भी जो है वो इस वाले बाइक की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सब कुछ जो है वो इस वाले बाइक में परफॉर्मेंस के नाम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस वाले मोटरसाइकिल में। अभी हम लोग इस वाले बाइक के इंजन के बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे, तो साथ ही साथ हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं बेसिकली इस वाले बाइक के माइलेज की, है ना। माइलेज इस वाले बाइक का जो है वो क्या निकल के आता है, देखो भाई परफॉर्मेंस है इस वाले बाइक में, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाले बाइक में माइलेज नहीं है, है ना। माइलेज भी इस वाले बाइक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अगर आप लोगों के इस वाले बाइक की अगर मेरे से अगर माइलेज पूछोगे कि मतलब मुझे इस वाले बाइक में क्या माइलेज देखने के लिए मिलता है, तो मुझे बजाज पल्सर 125 में जो माइलेज जो मिला था ना इसके फर्स्ट सर्विस के बाद, वो मुझे मिला था बेसिकली 58 km/L का माइलेज, है ना। अगर आप लोगों के इसको राउंड ऑफ करोगे तो मतलब लगभग 60 km/L ये वाले बाइक जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम से माइलेज जो है वो दे देती है।
अब मुझे अब 60 देती है, इसका मतलब आप लोगों को मेरे 60 देती है। आप लोगों में से इस वाले बाइक का बेसिकली जो माइलेज की पोटेंशियल है ना वो बहुत ही ज़्यादा है ना। बेसिकली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया माइलेज मिला है। बेसिकली 67 तक का माइलेज जो है वो आप लोगों में से कई लोगों को मिल चुका है ना। तो मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों पोटेंशियल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि मतलब ये वाली बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, है ना। इस वाले बाइक का माइलेज बहुत सारी बाइकों में जो है वो ऐसा होता है ना कि बहुत सारी बाइक जो होती है इस सेगमेंट में 125 सीसी सेगमेंट में कि उस वाले बाइक का जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता है वो तो मतलब अच्छा मिलता है ना। लगभग बहुत सारी इसमें बाइक आती है ना जिसका माइलेज आप लोगों को जो है वो लगभग 67-69 तक जो है वो पहुंच जाता है, लेकिन उन बाइकों में बेसिकली परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़्यादा कम होती है कि भाई आप लोगों को लगेगा भाई आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे हो क्या चला रहे हो, इतनी मतलब कम उस वाले बाइक में जो है वो परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना। अगर मतलब किसी भी बाइक का माइलेज अगर ज़्यादा बढ़िया होता है तो है ना इसी सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिल आती हैं। बजाज पल्सर 125 इज़ नॉट वन ऑफ दोज मोटरसाइकिल। बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो है वो माइलेज मिलता है, परफॉर्मेंस भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो ये वाली बाइक जो है आप लोगों को परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, परफॉर्मेंस और माइलेज का जो कॉम्बिनेशन है ना ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। पिकअप इस वाले बाइक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, माइलेज इस वाले बाइक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में पावर तो मिलती है। बहुत सारी कंपनी मतलब या तो पावर को ज़्यादा कर देती है, जैसे KTM ड्यूक है ना, ड्यूक की जो 125 सीसी वाली जो मोटरसाइकिल होती है, या फिर माइलेज को बढ़ा देती है ना, माइलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है ना, लेकिन बाइक की पावर को कम करके, जो कि मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है यार। बाइक में पावर भी चाहिए, अब ऐसा थोड़ी नहीं लगना चाहिए यार तुम छोटा हाथी या कुछ ई रिक्शा विक्शा कुछ चला रहे हो, है ना, ई रिक्शा थोड़ी नहीं चला रहे हो। तो इस वाले बाइक में माइलेज है, इस वाले बाइक में परफॉर्मेंस है, इसी के साथ ही साथ ये वाली बाइक जो है वो आप लोगों को पिकअप भी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आप लोगों को दे रही है ना। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से बेसिकली कह रहा हूँ कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल का बेसिकली एक और ऐसा एस्पेक्ट होता है ना, जो कि मतलब जिस पे मतलब ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो एकदम खड़ी उतरती है, वो एस्पेक्ट होता है बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी। अगर आप लोगों को कोई भी अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल अगर देखते होंगे तो उस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना, स्पेशली 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल में या फिर 100 सीसी वाले मोटरसाइकिल में, तो उन सारे बाइकों की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं होती है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है उन सारे बाइकों की बिल्ड क्वालिटी, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक होती है लॉन्ग रन के लिए। बेसिकली वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो ख़राब होती रहती है ना, टूटती टाटती रहती है। तो मतलब ये काइंड ऑफ है ना, तो ये काइंड ऑफ मतलब बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी मतलब कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए, क्योंकि अगर कोई भी अगर बंदा है उसको अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल लेता है तो इसी वजह से लेता है, क्योंकि उसको मतलब अपने बाइक को जो है वो लंबे समय के लिए चलाना रहता है। अब लंबे समय के लिए अगर कोई अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल अगर नहीं चलती है तो ऑब्वियसली यार वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन बजाज पल्सर 125 में जो है ये केस बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली अगर आप लोग इस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है ना, बहुत ही ज़्यादा धांसू इस वाले बाइक की जो है वो आप लोग बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। मतलब अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के कहीं पर भी ऐसे नॉक अगर करोगे ना तो आप लोगों को कहीं से भी नहीं लगेगा है ना कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है मतलब कहीं ना कहीं एकदम चीप क्वालिटी की मोटरसाइकिल है, वैसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा 125 सीसी मोटरसाइकिल में। बजाज की जो खास बात होती है वो यही होती है कि भाई बजाज जो है वो अपने बाइकों में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देता है ना, उतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम जो है वो बाइक जो है वो नहीं करती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अगर आप लोग इस वाले बाइक की बात करो तो भाई ये वाली बाइक जो है ये विक्रांत का लोहा है ना, तो इस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना। वैसे ही मतलब बजाज पल्सर 125 की जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी जो फाइबर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना, वैसा नहीं लगता है कि वो वाली बाइक जो है मतलब या तो बहुत ज़्यादा निम्बल है या वैसा करके कुछ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है वो उस वाले बाइक की बिल्ड क्वालिटी है ना। उसके अगर आप लोग वेट की अगर बात करो तो वो आप लोगों को लगभग कहीं ना कहीं वो 140 किलो की जो है वो आप लोगों को वो वाली बाइक देखने के लिए मिलती है। बाकी जो दूसरी मोटरसाइकिल होती है भाई 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 है ना, बाकी जो दूसरी मोटरसाइकिल होती है बाकी मोटरसाइकिल बेसिकली 125-120 है ना ऐसी किलो की जो है वो देखने के लिए मिलती है। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली आप लोग जो है वो थोड़ा सा भारी देखने के लिए मिलती है। मतलब इस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है और जो मतलब बैलेंस है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। मतलब ट्रैफिक में अगर आप लोग इस वाले बाइक को लेकर चल रहे हो तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मतलब बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा यूँ हिल रही है ना, बाइक एकदम स्ट्रेट एकदम चलती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है वो इस वाले बाइक की
जो रोड मतलब है ना बहुत ही ज्यादा स्टर्डी बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये चलती है ना बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेसिकली उस वाले बाइक का जो है बाइक बैलेंस है, जिसके वजह से बेसिकली इसका एक इसका डाउन साइड इसका ये आता है कि ये वाली बाइक ना टॉप स्पीड को अचीव करने में मतलब थोड़ा सा मुश्किल करती है ना, क्योंकि मतलब बाकी जो बजाज पर क्योंकि बाकी जो 125 सीसी वाली जो मोटरसाइकिल होती है ना वो सारी मोटरसाइकिल बेसिकली कहीं ना कहीं मतलब 100 के ऊपर वो आराम से चली जाती है, लेकिन ये वाली मोटरसाइकिल स्ट्रगल इस वजह से करती है क्योंकि इस वाले बाइक की ना जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है, लंबा चलती है बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल है ना। और अगर इस वाले बाइक को अगर मतलब अच्छे से अगर इसको अगर सर्विस कराओगे ना एकदम मतलब अच्छे से मतलब ऑयल ट्रीटमेंट और ये सब अगर डालोगे ना तब ये वाली बाइक भी जो है मतलब 100 के ऊपर आराम से चली जाएगी है ना। तो मतलब ये वाली मोटरसाइकिल काइंड ऑफ कम्यूटर परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है, इसमें आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है, माइलेज मिलता है, बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बहुत सारे फीचर जो है वो आप लोग इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलते हैं, CBS देखने के लिए मिलता है ना। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो ये वाली बाइक परफॉर्म करती है ना रियल वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। दिस मोटरसाइकिल इज एक्चुअली द परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल। सो चलो गाइज, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 के ऊपर की बजाज पल्सर 125 जो है ये कैसी मोटरसाइकिल है ना, कैसा परफॉर्म करती है, भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है ना, तगड़ी मोटरसाइकिल है बेसिकली ये वाली। चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी कुछ सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, मैं मिलता आप लोगों से अब कल। चलो गाइस, बाय बाय, हम लोग आ गए भाई चाय पीने।